सिया कक्कड़ के परिवार ने एक बहुत बड़ा बयान जो है पुलिस में दिया है। गीता कॉलोनी के थाना में जो परिवार ने बयान दर्ज किया है उसमें बहुत सारी चीजें निकल कर बाहर आ रही है। क्या दिया है उन्होंने बयान, मैं हिना कुमावत आपको फिल्म विंडो पर बताऊंगी। उनके परिवार ने इस तरह का बयान दिया है कि सिया जो है लॉकडाउन की वजह से हम लोग 3 महीने से कहीं पर भी बाहर नहीं गए थे, इसलिए उन्हें किसी और पर कोई शक नहीं है। उनका ये कहना है कि वो पिछले कुछ दिनों से डिप्रेशन में थी, ऐसा हमें लग रहा था, हालांकि हमें नहीं मालूम था कि ये चीज़ इतनी हद तक बढ़ जाएगी। एक हफ्ते से जो है वो दिख रहा था, लेकिन उसकी दिनचर्या में कोई फर्क नहीं था। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, दरअसल अमर उजाला में जो खबर आई है उसके अनुसार, पुलिस अधिकारियों ने जो बयान दिया है कि टिकटॉक स्टार के दादा और पिता दांत के डॉक्टर हैं, ऐसे में डॉक्टर होने के नाते उन्होंने सिया के डिप्रेशन को भांप लिया था। उन्हें एहसास हो गया था कि डिप्रेशन है, लेकिन उन्हें ये बात का एहसास नहीं था कि वो इस कदर बढ़ जाएगा कि वो जो है अपनी जान ले लेगी। सिया के जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें ये बात निकली है कि अनौपचारिक रूप से, अनऑफिशियल तौर पर पुलिस ने बताया है कि दम घुटने से ही जो है उसकी मृत्यु हुई है। कोई भी अगर मैं कहूँ तो जबरदस्ती के निशान हो या फिर स्कार्स हो, ऐसा कुछ भी नहीं मिला है, किसी भी तरह के चोट के निशान नहीं हैं। पुलिस ने इस बात का भी खुलासा किया है कि उनको किसी भी तरह की कोई धमकियां नहीं आ रही थी, ऐसा परिवार ने अपने बयान में कहा है। तो उनके डिप्रेशन की वजह जो है ये माना जा रहा है कि जो सुशांत के साथ हुआ उनकी खबरों को देख देख कर वो काफ़ी डिप्रेस चल रही थी। उनके एक भाई और बहन है, सिया का 3 कमरों का घर है। बुधवार की रात को जो पूरा ब्यौरा आया है कि क्या क्या हुआ था वो मैं आपको बताती हूँ। करीब 8:30 बजे माँ रसोई में थी, दादा व पिता नीचे क्लिनिक में थे, सिया घर में ही घूम रही थी। माँ ने 10 मिनट पहले सिया को घूमते देखा था। कुछ देर बाद सिया की माँ पिछले वाले कमरे में गई थी तो देखा कि अंदर से गेट बंद है। आवाज़ लगाने पर कोई जवाब नहीं मिला तो वो नीचे उतरकर क्लिनिक में गई और पिता को सारी बात बताई। सिया ने चुन्नी से जिस कमरे में अपने आप को लटकाया है उसका बाथरूम 2 कमरों से अटैच है। दूसरे कमरे से बाथरूम का गेट खुला था। बाथरूम से परिजन कमरे के अंदर गए तो देखा कि सिया ने जो है खुद की जान ले ली है। पुलिस अधिकारियों ने यह भी बताया कि टिकटॉक वीडियो बनाने के जो पैसे आते थे ये सारे पैसे पेटीएम में आते थे, हालांकि ये रकम कुछ 1000 में ही हुआ करती थी। सिया करीब 3 साल से टिकटॉक वीडियो बना रही थी। पुलिस सिया के सोशल मीडिया अकाउंट भी खंगाल रही है और जांच कर रही है। साथ ही उन्होंने सिया का मोबाइल जब्त किया है और उस मोबाइल से भी ये जांच की जा रही है कि क्या उन्होंने किसी को मैसेज किया था, किसी को कोई मैसेज आया था, किसी को फ़ोन किया, तो इन सारी चीज़ों की जो है जांच हो रही है। और सिया के पुलिस अधिकारियों ने ये भी बताया है कि शनिवार तक सारी रिपोर्ट आ जाएगी। पुलिस ने मोबाइल को जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भी भेजा है, तो शनिवार को आज शाम तक सारी और जांच की रिपोर्ट्स आ जाएगी। तो इस तरह की सारी चीज़ें जो है निकल कर सामने आ रही हैं कि 10 मिनट पहले तक वो एकदम ठीक थी। पिता और दादा जो हैं वो दांत के डॉक्टर हैं, डॉक्टर होने के नाते उन्हें एहसास हो गया था कि डिप्रेशन है, पर इस हद तक बढ़ जाएगा उन्होंने ये नहीं सोचा था। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि किसी तरह की धमकियों की बात उनके परिवार ने नहीं की है।